स्पर्श भीमराज का द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन। जी आपको बता दें कि रविवार 3 अप्रैल 2022 को सुबह से लेकर दोपहर तक स्पर्श भीमराज का द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय महिला व पुरुषों ने इस रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान कर आयोजन को सफल बनाया। बता दें कि स्पर्श भीमराज का अभी 9th क्लास में हैं और उनके अंदर इस तरह की समाज सेवा को देखकर मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। उनका कहना है कि आप एक बार रक्तदान करके 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। स्पर्श की माता रश्मि भीमराज का और पिता सुमित भीमराज का कहना है कि जब स्पर्श ने रक्तदान शिविर लगाने की बात कही तो स्पर्श के इस बात से मन काफ़ी हर्षित हो उठा और हम लोग पूरी तरह से इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जुट गए। खास बात है कि विश्वास एनजीओ के संस्थापक सुरेश अग्रवाल ने स्पर्श भीमराज का के इस पहल को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि जब स्पर्श ने मुझसे आकर रक्तदान शिविर के बारे में बात कही तो मैं टाटा हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को लेकर इस पहल को आगे बढ़ाया और फिर समाज के उत्कृष्ट लोगों ने इस पहल में हिस्सा लिया, रक्तदान किया बढ़ चढ़ कर और आयोजन को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अपने लिए, तो सब करते ही है रोज़ कुछ ना कुछ, आज किसी और के लिए कुछ करने का चांस मिला है। बहुत छोटा सा एक खाली ब्लड देकर किसी के लिए जान बचा सके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा देकर। जी जी अच्छा लगा देखकर कि इस एज में वो अवेयर है कि वो सोसाइटी को क्या दे सकता है वापस, हाउ ही इज़ ग्रेटफुल। काफ़ी टाइम से ही इज़ बीन सीइंग कि कैंसर पेशेंट्स कैसे, ही फील्स हेल्पलेस जब कैंसर पेशेंट्स को देखता है कि व्हाट कैन आई डू एट दिस एज। सो इफ़ ही कांट डोनेट ब्लड, उसने सोचा आई विल ऑर्गेनाइज वन, तो उसने इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। स्पर्श इज अ वेरी सॉर्टेड आउट चाइल्ड, पढ़ाई में भी अच्छा है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी काफ़ी है। ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द पियानो, म्यूजिक में भी इसको इंटरेस्ट है, सो उसके इंटरेस्ट बहुत है एंड ही इज़ अ वेरी नाइस चाइल्ड। बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि इतने छोटी सी चीज़ से उन लोग इतना हेल्प कर सकते हैं। एंड द टीम हैज़ बीन फैबुलस, द टीम इज़ सुपर, द डॉक्टर्स ने जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जो ये लोग वॉलेंट्रीली कर रहे हैं इतने अच्छे से, हमको तो कुछ भी नहीं करना है, खाली 350 ml ब्लड देना है। ये डॉक्टर्स टीम, इन्होंने जितना एफर्ट डाला है, संडे को आकर पूरा टीम कर रहा है सब कुछ, सो आई थिंक अवेयर होंगे तो वी कैन डू बेटर फॉर द सोसाइटी और ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सकेगी। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है फैलाना। एज अ पर्सन ऑल्सो बहुत कम लोगों को मालूम रहता है कि इतने से हेल्प के लिए बहुत आगे कर सकते हैं सब। मैं स्पर्श भीमराज का हूँ, मैं ग्रेड 9 में हूँ और मैं बिलोबंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने ये ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। ये आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कैसे? अभी हम लोग इतने केसेस सुन रहे हैं कि किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट सर्जरी हो रही है, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है या फिर किसी का एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो मुझे बहुत हेल्पलेस लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उनको हेल्प करने के लिए, ये डॉक्टर्स ही हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया आया कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चाहिए हेल्प के लिए, हम खुद भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने ये ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है टाटा के साथ ताकि हम लोग ब्लड डोनेट कर सकें और लोगों को हेल्प कर सकें।
मैं मेरी फैमिली को थैंक करना चाहूँगा कि उनने मुझे सबसे ज़्यादा मदद की है. तो उनने मुझे हेल्प किया कॉन्टैक्ट करने में टाटा ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए है. तो वो टाटा ऑर्गेनाइजेशन आए, यहाँ सेटअप किए, बेड्स सब लाए और हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं. हम लोग ने प्रमोट किया तो हम लोग लोगों को बुला रहे हैं. तो यहाँ पूनम हाई 7th फ्लोर पे आप भी आओ अगर आपका ब्लड ठीक है. तो हम लोग यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज किए हैं, चेयर्स लाए हैं, टेबल्स लाए हैं, खाना भी है. तो सर्टिफिकेट मिल रहा है सब. मैं बस मेरी फैमिली और टाटा ऑर्गेनाइजेशन को थैंक करना चाहूँगा. आपकी उम्र में बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, खेल कूद में, मतलब इस तरह से ध्यान नहीं देने की पेरेंट्स की बात कर नहीं मानते. लेकिन आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव दिया तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने लोग भी आ रहे हैं. बहुत लोग वॉलंटियर भी करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं आफ्टर डोनेटिंग ब्लड. तो वो लोग ने सिर्फ ब्लड नहीं डोनेट किया है, वो लोग खुद अपना सर्व कर रहे हैं फूड और मुझे सर्टिफिकेट्स और सब में हेल्प कर रहे हैं. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग हेल्प करने के लिए तैयार है. कैंसर पेशेंट्स और जो जिनको लगी हुई है बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं. तो जैसा मेरे पीछे लिखा है 1 pint can save 3 lives, तो बस एक पिंट 3 lives को सेव कर रहा है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग आ रहे हैं और कितने लाइव्स बच रहे हैं. यहाँ पे सुरेश अग्रवाल जी भी, तो उनका कितना हेल्प मिल रहा है आपको? सुरेश अग्रवाल जी का बहुत हेल्प मिल रहा है. उनने कांटेक्ट किया है टाटा को मेरे लिए और मैं उनके पास ही गया क्योंकि वो एनजीओ में बहुत मिले हुए हैं. वो बहुत डोनेट करते हैं ब्लड और उन्होंने 50 times प्लेटलेट्स भी डोनेट किए हैं. इसलिए मुझे लगा कि उनके पास ही पहल जाऊँ और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ये सब ऑर्गेनाइज करने में. या मैं ऐसा देना चाहूँगा जो आपको उम्र के हैं या युवा पीढ़ी या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और कर नहीं पाते, मुझे मैसेज देना है कि आप कभी कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते. आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं. बस एक आइडिया आए तो आपको वो करना पड़ता है और आपको थोड़ी मेहनत लगेगी पर आप बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं और बहुत लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं. अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली है तो मुझे लगा अभी ये टाइम सेफ है. इतना बड़ा लॉकडाउन आया, बहुत लोगों की जान गई, तो अभी ये ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने ताकि बहुत लोगों की जान भी बचा सके. और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने मास्क भी कंपलसरी मना कर दिया है तो मुझे लगा ये परफेक्ट टाइमिंग है कि एक ब्लड ऑर्गेनाइज ब्लड ड्राइव डोनेशन ऑर्गेनाइज किया जाए. मेरे तरफ से मुझे लग रहा है कि मैं और कर सकता हूँ, मैं और हेल्प कर सकता हूँ. तो मैं अभी ट्राई करूँगा कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें. तो अभी जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम लोग उनको एक ऑर्गेनिक बैग दे रहे हैं जिसमें कोई प्लास्टिक कंटेंट नहीं है तो वो एनवायरमेंट को भी हेल्प करेगा. तो मुझे लग रहा है कि मैं आगे जाकर बीच क्लीनिंग और सब भी कर सकूँ ताकि मैं सिर्फ लोगों को नहीं पर हमारे आसपास के एनवायरमेंट को भी हेल्प कर सकूँ. सबसे पहले मैं एक्सपर्ट भीमराजका को बधाई देना चाहूँगा कि छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और आगे बढ़कर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया. तो मुझे खुशी है कि मैं इस कैंप में सहभागी बन सका, उसको कुछ काम आ सका मैं. आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइज करते रहते हैं मेडिकल कैंप हो या इस तरह के सारे इनिशिएटिव लेते रहते हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त आपकी टीम में शामिल हो सकता है इतनी कम उम्र में वो इस तरह से काम कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिन में? हाँ जरूर, मैं चाहूँगा कि मेरी टीम में शामिल हो. जब इसकी छोटी उम्र में उसको इतना जोश है तो आगे जाकर ये बहुत अच्छा काम कर सकेगा और हमारे जो काम हाथ में लिया है ब्लड डोनेशन का उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. ये मेडिकल टीम कहाँ से आई है, कैसे इसको लाया गया? ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल की टीम है पूरी. ये लोग प्रत्येक संडे को कैंप लगाते हैं तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि संडे को हमारे यहाँ कैंप लगाया जाए. उन्होंने एग्री किया और यहाँ उनकी अच्छी टीम आई है, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं. टारगेट है
हमारा टारगेट है करीब 100 बोतल तो कम से कम जमा करें, देखते हैं कितने लोग आते हैं और कितने लोग दे पाते हैं। लोग तो आएंगे पर अप्रूव होना, उनका टेस्टिंग पास होना वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, महिलाएं बहुत आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, इसको हमारे इस कोच को समझ रही हैं। हाँ, मैं तो सभी बम्बईकर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा आगे आएँ और बहुत अच्छा काम है। एक व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो 3 कैंसर पेशेंट्स की जान बच सकती है। ये लोगों को समझना चाहिए कि बहुत अच्छा काम है, सब लोगों को आगे आकर इसमें हाथ बढ़ाना चाहिए।